राष्ट्र की चर्चित ट्रेनी आईएएस पूजा केडकर एक के बाद एक नए विवादों से घिरती जा रही हैं। ज्वाइनिंग से पहले आवास, कैबिन और कार की मांग करने वाली पूजा नौकरी के लिए फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाने के साथ साथ खुद नॉन क्रीमी ओबीसी कैंडिडेट बताया गया है, जबकि पूजा के पिता की संपत्ति 40 करोड़ है और खुद पूजा के पास 17 करोड़ की संपत्ति है। ये रिपोर्ट देखिए। मॉडल की तरह दिखती ये है महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर। पूजा खेडकर प्रोबेशन पीरियड में ज्वाइनिंग से पहले ही आवास, केबिन और कार की मांग कर चर्चा में आई, लेकिन अब विवाद उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा। 2023 बैच की आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर पर एक के बाद एक गंभीर आरोप लगते जा रहे हैं। वीआईपी नंबर की अपनी निजी ऑडी कार पर लाल नीली बत्ती लगाने के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार लिखने का भी आरोप, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। आईएएस बनने के लिए पूजा पर अपनी जाति और मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में झूठी जानकारी देने सहित कई गंभीर आरोप लगे हैं। पूजा खेडकर ने यूपीएससी को सौंपे हलफनामे में खुद के दृष्टि बाधित और मानसिक रूप से बीमार होने का दावा किया था। खेडकर ने इस दिव्यांगता सर्टिफिकेट का उपयोग यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए विशेष रियायत हासिल करने के लिए किया था। सिविल सेवा परीक्षा में कम नंबर हासिल करने के बाद भी रियायतों की वजह से पूजा खेडकर ने परीक्षा पास कर ली, लेकिन जब अप्रैल 2022 में पूजा खेडकर को अपने दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए दिल्ली के एम्स में रिपोर्ट करने को कहा गया, तो उन्होंने कोरोना होने का दावा करते हुए ऐसा नहीं किया और 6 बार बुलाने के बाद भी नहीं गई। पर बात यहाँ भी खत्म नहीं होती। सिविल सेवा परीक्षा में 841वां रैंक हासिल करने वाली पूजा खेडकर ने सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए खुद को नॉन क्रीमी ओबीसी कैंडिडेट बताया था। हालांकि उनके पिता ने अपने चुनावी हलफनामे 40 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई थी, खुद पूजा के पास 17 करोड़ की संपत्ति है। ऐसे में आईएएस पूजा के ओबीसी नॉन क्रीमी कैंडिडेट होने पर सवाल उठ रहे हैं कि अगर किसी कैंडिडेट के पिता की संपत्ति 40 करोड़ रुपए हो तो उसकी संतान को ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में कैसे माना जा सकता है। फिलहाल पूजा खेडकर को लेकर विवाद चरम पर है और अपने पद का गलत इस्तेमाल करने के आरोप के बाद पूजा खेडकर को पुणे के वाशिम ट्रांसफर कर दिया गया है और जांच तेज हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट।